हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं तो यही सोचती हूँ सब अच्छे हों। और आज मैं आप सबको कराने जा रही हूँ लिविंग एरिया का टूर। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि करवा दूँ, क्योंकि बेडरूम का और आरब के रूम का मैंने करवाया है टूर। आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी, देख लेना। और जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया वो इंस्टा पे फॉलो कर ले, अर्चना एन इंडियन ब्रांड नेम ही से है मेरा। और जो न्यू है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है वो उसको टच करें और बेल आइकन टच कर लें, और उसके पास बेल आइकन है उसको दबा लें, तो जैसे ही मेरी कोई न्यू रेसिपी या ब्लॉग आएगा तो आप सबको फटाफट पहले नंबर से मिल जाएगा, तो आप देख सकोगे। और प्लीज़ सभी सपोर्ट कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करें और लाइक करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट ही से हम सब आगे बढ़ते हैं, सो सपोर्ट कीजिए। अभी मैं लिविंग एरिया टूर करवाती हूँ आपको, फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू और शुरू करती हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये गेट है लिविंग एरिया के बाहर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो इसलिए इससे हम लोग बाहर जाते हैं। ये जाली है बाहर, और यहाँ पे इस साइड साइड में ये गेट है ना, इसके ये साइड में सोफ़ा डला है, और वो विंडो है उस पर हम लोगों ने पर्दे लगा रखे। ये दीवार पे पेंटिंग, ये बहुत पुरानी है, हम लोगों ने ऐसे लोकल मार्केट से ले ली थी अपने यहाँ से, बहुत पहले की है पर अच्छी निकली। और यहाँ पे साइड में टेबल छोटा वाला, उस पर ये मैंने फ्लावर का एक रख दिया पॉट, और ये है बुद्ध जी, वो हैं। ये मैं मनाली से लेके आई थी, तो आपको जो मैंने मनाली का शॉपिंग वाला वीडियो है अभी मैंने उसको अपलोड नहीं किया, इस वीडियो से पहले उसको अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से ये लेके आई थी और इस पर ये डाल दिया, यहीं से लिया था। ये थ्री वाला सोफ़ा इस साइड, और ये टेबल, इस पर एक ये कांच का शो पीस यहीं से ले लिया था उन लोगों ने मार्केट से। और ये है लोटस कमल, जो एक थर्माकोल होता ना उससे बना हुआ है वो। और ये देखो इस साइड दिखाती हूँ, ये पूरा ऐसा उसके इस साइड रखा, और इसके इस साइड रखा ये फ्लावर वाला स्टैंड। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था, यहीं से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से। और ये ली थी हम लोगों ने निमाइस, जो आप लोगों को दिखाई थी निमाइस लगी थी मेरे यहाँ वहाँ पे, तो हम लोगों को ये बहुत अच्छी लगी सो ले ली। इसमें दो बर्ड हैं और एक एग लगा ऊपर। सो आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसी लगी। ये देखो, और इसके ऊपर ये है पिकॉक मोर, ये छोटी छोटी मोर है टुकड़ों में, मतलब टुकड़े टुकड़े एक ही एक कागज़ जैसा था उसी में चिपके थे, उसको निकाल के फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस पर इस वजह से लगाया, अगर कभी हटते हैं या कुछ है तो पेंट ख़राब नहीं होगा, अगर यहाँ लगाते तो ये पेंट ख़राब होने का डर रहता, कहीं हटे या सही ना लग पाए, तो इसलिए व्हाइट पे लगा दिया था। और इस साइड ये डला दीवान, और इसके इस साइड एक टेबल है, जो कांच की टेबल थी वो यहाँ पे डाल दी, और वो दो छोटे छोटे से स्टूल बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते बताना। और इसके इस साइड ये दीवार पे राधा कृष्ण की आरती भी लिखी है पूरी, ये देखो। उसके इस साइड है वो कॉर्नर स्टैंड होता वो, उस पर ये गणेश भगवान जी हैं लकड़ी का, ये है उनका ऊपर का अंदर गणेश भगवान जी। और इसके इस साइड ये महात्मा बुद्ध वाला, एक अमेजोन से मंगाया था वो है,
और ये भी अमेजोन से मंगाया था। ये मेंढक है वो क्वेन माउथ में लिए रहता, ये हम लोगों ने यही मार्केट से खरीद लिए थे और ये हम लोग जयपुर से लेके आए थे। और उसके नीचे है तो रैक है, उसमें कुछ भी सामान रख सकते ऐसा है। और इसके इससे ऐसा दिखता, देखो इतना आपको दिखाया मैंने। अभी यहाँ पे अलमारी है तो यहाँ हॉर्स लगा रख के, ये 7 हॉर्स हैं दौड़ते हुए, उनकी पेंटिंग यहाँ ये रख रखा एक पॉट। और ये हम दोनों लोगों की पिक, बहुत पहले की शादी के 2 साल बाद की है ये पिक। लग भी रही होगी ना। और इस साइड एक और अलमारी है, उसमें राधा कृष्ण है, ये एनिवर्सरी थी हम लोगों की तो इनके स्टाफ वालों ने दिए थे, बहुत अच्छे हैं सुंदर। और ये मेरी और आरब की पिक, आरब इतने बड़े थे और मैं ये इतनी मोटी थी। और एक नीचे और अलमारी है, उस पर ये म्यूजिक का लगा रखा पूरा 5 वाला। तो इस साइड ये हो गया, और इस साइड दीवार पे ये पिकॉक का और मोर पंख लगा दिया था, ये मोर पंख बेचने आया था उसी से मैंने ले लिया था, 2 लिए थे, एक बड़ा पता नहीं किधर है। और ये बेडरूम का है गेट, ये राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण देखो कितने अच्छे हैं, 2 तरीके के हैं आप लोग देखना, एक ये बैठे और राधा बैठी और कृष्ण दिखाई पड़ रहे ना, और फिर इस तरफ से देखो ये दोनों खड़े हैं, तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, जितने लोग देखते बहुत अच्छी लगती डबल में। और ये लेके आए थे हम लोग शिमला से, तो देखा होगा, देखना आप वीडियो में उसके। और ये आरब का रूम है, और इस साइड है पूजा वाला, और इस साइड किचन, ऊपर वॉच, और किचन ही के में ये हम लेके आए थे तो ये टंग दिया ऊपर। अब इस साइड लगी है टीवी, ये अमेजन से मंगाई थी फिश, और ये टीवी स्टैंड नीचे। और हम दोनों लोगों की अभी की पिक है, ये प्रेम वहाँ शिमला से ख़रीदा था, तो ये पिक अभी की है, दिल्ली गए थे वहाँ की, अच्छी लगी ये लगा दी, ये अरब की वहाँ से एक लकड़ी की कार ये है तो वो है। और ये अरब की पिक मेरी और इनकी, अरब का एक बर्थडे था वो तो उसने क्लिक की थी, फिर वो बना के पूरा पूरा फ्रेम के समेत दे दिया, तो उसने अच्छी पिक है देखो मेरी साड़ी में। और ये लाफिंग बुद्धा रख के हंसते रहो, इनको देख के हंसते रहो हंसते रहो, ये वो लुकपुक चावल होते हैं वो। और उसके पीछे एक ये रखा साइड से ऐसा हुआ, दिखाते ऐसे। और इस साइड भी गेट है, इधर से सीधा जीना है उसके सामने, तो ये कम खोलते हम लोग, और इस साइड वाला ज़्यादा खुलता है गेट। और ये एक टेबल है, उसको हम लोगों ने डाइनिंग ही जैसा बना लिया, अभी इस पर खाना वाना खा लेते हैं बैठ के। और इस पर भी, इस पर नॉर्मल सामान, रिमोट और टिश्यू, ये तो ये हो गया पूरा। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, ये है पूरा चारों तरफ से। ये सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एम्बा, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।